नमस्कार, आप देख रहे हैं News 22 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में सोमवार को समाजवादी पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हाफिज आयाज अहमद की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिला अध्यक्ष आशीष सिंह आर्यन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी बिल सहित जनपद बाराबंकी के प्रमुख विभाग जैसे RTO ऑफिस, जिले की समस्त तहसील एवं रजिस्ट्री ऑफिस में व्याप्त वसूली और भ्रष्टाचार को लेकर बाराबंकी में छाया चौराहे से नवाबगंज तहसील तक बैंड बाजा कर बारात निकाली गई। उसके बाद SDM नवाबगंज को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में समस्त अधिकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, अगर 15 दिन के बाद भी इन विभागों की दलाली व भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा तो सभी समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बारी बारी से हर भ्रष्टाचार वाले विभाग को घेरने का कार्य करेंगे। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से News 22 इंडिया के लिए 1 लाख अहमद की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 22 इंडिया। खबर भी, असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।